हाय फ्रेंड्स, मैं उदय भान। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर, आज हम फ्लो चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्लो चार्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। ए फ्लो चार्ट इज ए प्रिंसिपल या डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर्स नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। द प्रोग्राम्स फ्लो चार्ट शो एज ए स्क्वायर ऑफ ए इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम इन ए प्रोग्राम। यदि हम इजी लैंग्वेज में समझे, अपनी भाषा में समझे, तो जो फ्लो चार्ट होता है वो या वह डायग्राम होता है या प्रिंसिपल होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने का डायग्राम माध्यम से। डायग्राम माध्यम से किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने का या शेप क्या से हम किसी एल्गोरिथम को यूजर को बताएं कि कैसे आपको प्रोग्राम लिखना है, तो हम इसमें ग्राफ माध्यम से हम बताते हैं। तो कुछ ग्राफ पहले से डिफाइन किए हुए हैं, उन ग्राफ की मीनिंग हम सबसे पहले समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक ग्राफ हमारा ओरल है। अब ओरल में हम क्या करते हैं इसे टर्मिनल, इसका नेम क्या है, टर्मिनल। ओरल ग्राफ जो दिखाई ओरल आकार है या सिंबल है, इसको हम टर्मिनल करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं या स्टॉप के लिए भी यूज करते हैं हमने। और उसके बाद में इसका पर्पज क्या होता है, तो इसका पर्पज होता है इट इज़ यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग्स या स्टार्ट या एंड में भी इन लोग इनका यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट, जब हम स्टार्ट लिखते हैं तो हम वहाँ से स्टार्ट, जहाँ से हम लिखते हैं उसमें हम इस प्रकार का ओरल का हम सिंबल देते हैं या शेप देते हैं। उसके बाद में फिर हम सेकंड सिंबल की बात करें, तो सेकंड सिंबल हमारा है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, इनमें इनपुट और आउटपुट जो होता है, इनपुट और आउटपुट के नेम से इनमें जानते हैं, इनके इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो इनका क्या होता है, जो पर्पज होता है या मीनिंग होता है, तो पर्पज में हम बताएंगे जैसे डिफाइन किया गया है, इट इज़ अ सो एनी स्टेटमेंट दैट केसेस डाटा टू बी रीड या प्रिंट फ्रॉम ए प्रोग्राम्स। किसी भी रीड प्रोग्राम्स या प्रिंट कराने के लिए हम इन प्रकार का पैरेललोग्राम का हम सिंबल यूज करते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं। उसके बाद में हमारा फिर तीसरा जो सिंबल आता है वो आता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में हम, रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ रहा है जो शेप है, उसके बाद में हम इसका जो नेम है वो प्रोसेस या क्या होता है, प्रोसेस सिंबल होता है। प्रोसेस सिंबल के लिए हम, अब इसका मीनिंग क्या दी गई है, मीनिंग ये दी गई है कि इट इज़ अ यूज फॉर अ कैलकुलेटर या असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू। इन्हें कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर करते हैं उसमें प्रोग्राम में, उनको डिफाइन करने के लिए हम इस प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट और सिंबल की बात करें तो है डायमंड। जो डायमंड आकार का होता है, इसमें हम डिसीजन बॉक्स इसे भी कहते हैं, इसे इसका नाम क्या है, डिसीजन बॉक्स। तो डिसीजन बॉक्स जो होता है, इनको डिफाइन किया गया है, इट इज़ यूज टू टेक अ डिसीजन इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो डिसीजन लिया जाता है, इस प्रकार के आकार में हम उसे लिखते हैं। फिर लास्ट में हमारा क्या जो आता है, वो लास्ट में एक सिंबल है जो रेक्टेंगल आकार का है, और उस बात के बाद लास्ट में ये लिख दिया जाता है, तो इसे प्रीडिफाइन प्रोसेस सिंबल कहते हैं। तो प्रीडिफाइन प्रोसेस सिंबल में हम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीडिफाइन प्रोसेस सिंबल जो होता है ये किस लिए यूज होता है, तो हम देख लेते हैं मीनिंग इसकी। इट इज यूज टू रिपीटेड ए ग्रुप ऑफ आ स्टेटमेंट डेट आर टूगेदर्स ए कंपाइलर्स वन टास्क। ये सिर्फ एक टास्क को रिपीट करने के लिए इस प्रकार के हम सिंबल को यूज करते हैं। फिर एक हमारा सिंबल आता है जो एरो, एरो जो आता है, तो एरो एक मतलब वो जो होता है राइट साइड एरो होता है, उसके नीचे फिर ये डाउन साइड एरे। जो एरो होता है, इन एरो को हम किससे डिफाइन करते हैं, इन्हें हम फ्लो लाइंस या एरो हेडर कहते हैं, हेडर्स कहते हैं। अब इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ अ यूज टू कनेक्ट अ सिंबल एंड इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस।
ये जो होते हैं सिंबल को कनेक्ट करने के लिए और इंडिकेट यानी किस प्रकार से कहाँ कहाँ से कनेक्ट हैं, इन सिंबल का हम यूज करते हैं उसमें, ठीक है। अब आप लोग फिर हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से अभी हम समझेंगे और जानेंगे पूरी तरह से। जैसे कि और ये है कनेक्टेड पेजेस टू, ये सारे बहुत कम ही यूज होते हैं, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। इनके बारे में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम एक एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो एग्जांपल है वो है विथ द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डायग्राम्स विद राइट ए राइट द एल्गोरिथम ऑफ अ एडिशन ऑफ द टू नंबर्स। अब दो नंबर को हम लिखने के लिए एडिशन करने के लिए हम फ्लो चार्ट लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि ओरल में हम स्टार्ट या स्टॉप करते हैं। अब ओरल जो सिंबल है उसमें हम स्टॉप या कर दिए, उसके बाद में हम पैरेललोग्राम में हैं फिर डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हमें क्या क्या वेरिएबल लेना है, तो हमें दो इनपुट कराना है, हमें दो नंबर इनपुट कराना है, उसे ऐड करना है, तो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा वेरिएबल और एक दूसरा नंबर वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसके बाद में एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा जिसमें हमें सम कराना है या एडिशन कराना है, उसके लिए हम सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद में फिर रीड कराते हैं प्रोग्राम को, रीड कराएंगे नंबर वन को और नंबर टू को, जो यूजर दिया है डिफाइन करेगा नंबर्स उसे हम रीड कराएंगे। उसके बाद में हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं, सॉरी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। देन हम प्रिंट ऑफ यूज करते हैं, जो प्रिंट कराना होता है उसे के लिए हम प्रिंट सम यूज करते हैं। उसके बाद में फिर ओरल में हम क्या यूज करते हैं, स्टॉप यूज करते हैं। उसके बाद में हम एक और एग्जांपल, अब इसी को हम एल्गोरिथम के माध्यम से, इसके बाद में हम अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। इस तरह के वीडियो हमारे देखने के लिए आप हमेशा बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद में कमेंट जरूर करिए कैसा लगा वीडियो, जिससे हमें मोटिव मिलता है ताकि हम और वीडियो बना सकें आपको लिए।